please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कश्मीर में श्रीनगर के पास नौहट्टा में बड़ी तादाद में नौजवान सुरक्षा बल का निशाना बनाकर पत्थरबाजी करने लगे। दावा किया जा रहा है कि शुक्रवार की नमाज अदा करने के बाद इन लोगों ने वहां तैनात सुरक्षा बल का विरोध जताते हुए इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन पत्थरबाजी की ये पूरी घटना मीडिया के कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। इस वीडियो में सुरक्षा बल के जवान पथराव कर रहे लोगों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागते नजर आए। एक तरफ पथराव कर रहे लोग सुरक्षा बल को ललकार रहे थे तो दूसरी तरफ बिजली के खंभे की आड़ में दो जवान उन्हें खदेड़ने में जुटे थे। इस दौरान लोगों ने एक के बाद एक कई पत्थर बरसाए। हालात बेकाबू होते देख सुरक्षा बल के जवान पथराव कर रहे लोगों की तरफ बढ़े और उन्हें वहां से भगाने की कोशिश की। जवानों का आक्रामक रुख देखकर पथराव कर रहे लोगों ने अपने कदम पीछे खींच लिए। बाद में तनाव की वजह से इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई। यूपी के सीतापुर से बड़ी खबर आ रही है। सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 1,00,000 के इनामी बदमाश शरीफ बंजारा को मार गिराया है। राजकोट इलाके में हुई इस मुठभेड़ में एक इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस वाले घायल हुए हैं। मौके से पुलिस ने एक तमंचा, एक देसी बंदूक और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। शरीफ बंजारा पर कई थानों में मामले दर्ज थे और 1,00,000 के इनामी बदमाश को मार गिराया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ी कामयाबी। यूपी के सीतापुर में ये मुठभेड़ हुई और जिसमें 1,00,000 का इनामी बदमाश शरीफ बंजारा, जो कई साल से फरार था, उसको पुलिस ने मार गिराया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एनकाउंटर के वक्त की, जिस वक्त शरीफ बंजारा, जो इनामी बदमाश जिसपे 1,00,000 का इनाम था, उसको पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अजीत, किस तरह से इस पूरे एनकाउंटर का अंजाम दिया गया? काफी दिनों से इसकी तलाश थी, तो कैसे पूरा ये एनकाउंटर इसको अंजाम दिया गया? बिल्कुल, आपको बता दें, देर रात लगभग 3 बजे के आसपास पुलिस को इस बात की सूचना मिलती है कि 1,00,000 का इनामी बदमाश शरीफ बंजारा रामकोट इलाके में है और किसी बड़ी साजिश को, किसी हत्या को अंजाम देने की फिराक में, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी शुरू की और जैसे ही पुलिस पहुंची शरीफ बंजारे की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें 2 सिपाही और 1 इंस्पेक्टर, 3 लोग घायल हो गए। बाकायदा उनको जिला अस्पताल ले जाया गया और इस जवाबी कार्रवाई में शरीफ बंजारा मारा गया। 1,00,000 का इनामी मामला सीतापुर लखीमपुर खीरी के आसपास के ऊपर दर्जनों हत्या और अपहरण के मुकदमे दर्ज थे। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और आसपास के लोगों और व्यापारियों को भी एक बड़ी राहत है कि ऐसे अपराधी का एनकाउंटर हुआ जो लगातार विरोधी और अपहरण हत्या जैसे मामलों में शामिल था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका। राजस्थान के जयपुर में एक सड़क पर सरेआम 2 लड़कियां मारपीट करने लगी। दावा किया जा रहा है कि अलग अलग स्कूटी पर सवार इन लड़कियों के बीच एक दूसरे को साइड नहीं देने के मुद्दे पर झगड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों लड़कियों ने बीच सड़क पर मारपीट शुरू कर दी। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो में मारपीट के दौरान कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश करते नजर आए। मामला शांत कराने की कोशिश जारी ही थी कि तभी एक लड़की ने दूसरी लड़की पर लात और घूंसे चलाने शुरू कर दिए। यही नहीं, दोनों लड़कियों ने एक दूसरे के खिलाफ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। बीच सड़क पर हुए इस हंगामे की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया और लोग परेशान होने लगे। लोगों के काफी समझाने के बाद दोनों लड़कियां वहां से जाने के लिए तैयार हुईं। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में बीती रात बदमाशों ने एक लड़की की लाठी से पीट पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद उसी के मोबाइल से परिजनों को फोन कर बुलाया गया और उन पर भी हमला कर दिया गया। कई राउंड फायरिंग भी की गई, जिसमें मारे गए लड़के के पिता समेत परिवार के 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। शुरुआती जांच में पुलिस ने बताया कि पीड़ित परिवार का इलाके के ही सुभाष पहलवान से पुराना विवाद चल रहा था और आशंका है कि इसी विवाद की वजह से हमला करवाया गया। सरकारी जमीन को बेच रहे थे और हम उस जमीन में डंगा लगा रहे थे। हमारे पास 5:15 बजे फोन आता है कि जितेंद्र का झगड़ा हो रहा है जीतू का, आप आ जाओ। हम वहाँ जाके देखते तो जीतू डेथ मिला। और दीपक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। दीपक, क्या निकल कर आ रहा है इस पूरे, जो ये हत्या की गई है और जो नाम आ रहा है सुभाष पहलवान, इसका क्या रोल है इस पूरे कांड में? सुभाष पहलवान के बारे में बता दूं कि इलाके का ये पहले निगम पार्षद के चुनाव लड़ चुका है और एक पार्टी से, उसके साथ ही
इन लोगों को अवैध जमीनों पर कब्जा अवैध कब्जा करने का इनका काम है। तो यही वजह थी कि एक सरकारी जमीन को लेकर इन दोनों परिवारों में काफी समय से विवाद चल रहा था, क्योंकि जीतू जिसकी हत्या की गई है वो भी उस जमीन पर कब्जा करना चाहता था, जबकि सुभाष पहलवान उसे वहां से हटाना चाहता था। इसी को लेकर उन्होंने जीतू को बुलाया था शुक्रवार की शाम को, जिसके बाद उसे एक बताया जा रहा है कि उसके ऊपर लाठी डंडों से प्रहार किया, काफी मारपीट की गई उसके साथ, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ जब उसके परिवार को उसी के फोन से बुलाया गया तो गोलियां भी चलाई गई है। पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है, क्योंकि हमलावर अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। ये कहना है परिवार का कि आरोपी जो है फरार है और उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, तो पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका। सोशल मीडिया पर वायरल हुई पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की एक तस्वीर को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोल दिया। इस तस्वीर में प्रणब मुखर्जी के आरएसएस के कार्यक्रम के दौरान ध्वज प्रणाम करते दिखाया गया, लेकिन कांग्रेस ने इस तस्वीर को फर्जी करार देते हुए बीजेपी पर इसे वायरल करने का आरोप मढ़ा। तस्वीर में प्रणब मुखर्जी न सिर्फ स्वयंसेवक की तरह ध्वज प्रणाम कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने आरएसएस की काली टोपी भी पहन रखी है, जबकि हकीकत में आरएसएस के कार्यक्रम में ध्वज प्रणाम और प्रार्थना के वक्त प्रणब मुखर्जी दोनों हाथ नीचे करके खड़े थे। प्रणब मुखर्जी की फर्जी तस्वीर पर उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्वीट किया, देखिए जिसका डर था वही हुआ, मैंने अपने पिता को इस बारे में चेताया भी था, कुछ घंटे भी नहीं गुजरे लेकिन बीजेपी और आरएसएस का डर्टी ट्रिक्स विभाग पूरी तरह काम में जुट गया। आरएसएस के कार्यक्रम में प्रणब मुखर्जी के चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होने पर शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्विटर के जरिए एतराज जताया था और लिखा था कि भाषण तो भुला दिया जाएगा लेकिन तस्वीरें बनी रहेंगी और उनका फर्जी बयानों के साथ प्रचार किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने प्रणब मुखर्जी की दो तस्वीरों को एक साथ दिखाकर इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। मुंबई के लोगों के लिए आने वाले अगले तीन दिन मुश्किल से भरे हो सकते हैं। मौसम विभाग ने मुंबई में अगले तीन दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है। रात 2 बजे से मुंबई जोगेश्वरी कुर्ला सायन दादर और दूसरे कई इलाकों में बारिश हो रही है। प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट ने दावा किया कि इस बार मुंबई में 2005 के बाद सबसे भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए बीएमसी के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, जबकि एनडीआरएफ को भी अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग का कांग्रेस ने विरोध जताया। केजरीवाल सरकार की तरफ से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने दावा किया कि ऐसा होने से दिल्ली को नुकसान होगा। तो हमें बताएं कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद में दिल्ली की जनता को फायदा होगा या नुकसान होगा। हरियाणा के गुरुग्राम में एक स्कूल में छात्र की हत्या के मामले में केस को गलत दिशा में ले जाने के आरोपों में घिरी पुलिस की भूमिका पर सीबीआई ने शुरुआत में आरोपी बनाए गए कंडक्टर से पूछताछ की। मुंबई में मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी के बाद बीएमसी ने शनिवार और रविवार को अपने कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी। हरियाणा के गुरुग्राम में एक स्कूल में छात्र की हत्या के मामले में सीबीआई शुरुआत में पुलिस पर लगे लापरवाही के आरोपों को लेकर अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट जुलाई के पहले हफ्ते में जमा करेगी, जिसमें कंडक्टर को गवाह बनाए जाने की संभावना है। मध्य प्रदेश के भोपाल रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल करने की एक मशीन लगाई गई। यूपी के रामपुर में अवैध खनन रोकने गई एक पुलिस टीम पर गाड़ी चढ़ाने के इल्जाम में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के मैडम तुसाद म्यूजियम में लगाए गए विराट कोहली के मोम के पुतले का कान प्रशंसकों की भीड़ ने तोड़ दिया, हालांकि फिर इसे ठीक कर लिया गया। कैंसर से उबर चुकी अभिनेत्री मनीषा कोराला ने सूर्य नमस्कार और स्विमिंग करते हुए कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर साल के आखिर तक सुपर फिट होने की उम्मीद जताई। अर्जुन कपूर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो लंदन की सड़कों पर परिणीति चोपड़ा की तस्वीरें लेते नजर आए। जानवी कपूर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें कटरीना कैफ उन्हें एक जिम में अपने हाथ से केक खिलाती नजर आईं। फिल्म इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद के आरोपों पर निर्देशक सुधीर मिश्रा ने आलिया भट्ट और रणबीर कपूर समेत दूसरे कलाकारों का बचाव किया। साल के अंत तक रणवीर सिंह से शादी की खबरों के बीच दीपिका पादुकोण मुंबई में एक ज्वेलरी शोरूम के बाहर नजर आईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की चीन यात्रा पर रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री चीन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आज मुलाकात भी हो सकती है। ये मुलाकात भारतीय समय के मुताबिक 2:30 बजे होगी, जिसमें कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। कल प्रधानमंत्री शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और इस दौरान बैठक में मध्य एशिया के भी कई देश शामिल होंगे, जिसमें आपसी संबंधों के साथ साथ आतंकवाद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होगी।
दिल्ली के नजफगढ़ में दो महिलाएं बीच सड़क पर एक कैब ड्राइवर को डंडों से पीटने लगी। आरोप है कि कैब ड्राइवर ने राह चल रही महिलाओं के साथ छेड़खानी की, जिसके बाद महिलाओं ने ड्राइवर को उसकी कार से उतारा और कार पर डंडों की बरसात कर दी। महिलाओं के वार से कार के शीशे टूट गए। तभी दूर खड़ी एक तीसरी महिला आरोपी पर चिल्लाने लगी। इस पर कैब ड्राइवर कुछ कहने ही वाला था कि कार तोड़ रही दोनों महिलाएं डंडा लेकर उसके नजदीक आ गई और उस पर डंडे से ताबड़तोड़ वार करने लगी। इस दौरान कैब ड्राइवर हाथ जोड़ता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन डंडा मार रही महिलाएं नहीं रुकी। वो उस पर उतनी ही तेजी से डंडा चलाती रही। बीच सड़क पर कैब ड्राइवर की सरेआम पिटाई देख वहां से जा रही गाड़ियां रुकने लगी। धीरे धीरे लोगों की भीड़ भी जुट गई। महिलाओं ने आरोप लगाया कि कैब ड्राइवर नजफगढ़ के उजवा गांव के पास अपने दोस्तों के साथ कार में बैठकर शराब पी रहा था और तभी वहां से गुजर रही महिलाओं को उसने छेड़ा, जिसके बाद महिलाओं ने कार को घेर कर आरोपी की पिटाई कर दी। इसके बाद आरोपी ड्राइवर का दोस्त कार से बाहर निकला और अपने दोस्त की गलती के लिए माफी मांगी। लेकिन महिलाएं नहीं मानी और वो लगातार छेड़खानी का आरोप लगाते हुए ड्राइवर को फिर डंडे से पीटने लगी। तभी वहां एक और आदमी आया और उसने भी आरोपी ड्राइवर पर हाथ छोड़ दिए। बाद में पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी गई।